शहर के मंझोला थाना क्षेत्र के खुशालपुर में रहने वाले एक पिता ने अपने बेटे पर मकान हड़पने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। थाना मंझोला इलाके के खुशालपुर चौकी क्षेत्र बसंत विहार कॉलोनी गली नंबर 4 निवासी श्याम सुंदर का आरोप है कि उनका बेटा अंकित शादी के कुछ ही दिनों के बाद हमारे मकान पर बुरी नीयत से हड़पना चाहता है। पिता का आरोप है कि जब मैंने अपने बेटे को मकान नाम करने से इनकार कर दिया तो बेटे ने मेरे साथ अभद्रता कर मारपीट की और घर छोड़कर अपनी पत्नी के साथ कहीं किराए के मकान में चला गया। पिता का आरोप है कि मेरा बेटा अंकित घर में रखी ज्वेलरी और 50,000 रुपये लेकर अपनी पत्नी के साथ फरार हो गया। पिता श्याम सुंदर का कहना है कि उन्होंने अपने बेटे की शादी 1 साल पहले कुंदनपुर निवासी करण सिंह की बेटी मोनी कश्यप से की थी। शादी के कुछ दिनों के बाद मेरा बेटा अंकित और उसकी पत्नी मोनी मकान नाम करने को लेकर हम पर अक्सर दबाव बना रहे थे। पिता का कहना है कि मेरे 2 बेटे हैं और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं जीते जी अपना मकान किसी का नाम नहीं कर सकता। वहीं पिता ने अपने ही बड़े बेटे अंकित और उसकी पत्नी मोनी से अपनी जान का खतरा बताते हुए खुशालपुर चौकी और मुख्यमंत्री के नाम एक प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम सुंदर। कहाँ रहते हो? बसंत विहार कॉलोनी गली नंबर 4। क्या मामला हुआ बेटे का? मैंने बेटे की शादी 6 जून 2021 को करण सिंह निवासी कुंदनपुर उनकी बेटी मोनी के साथ शादी की थी। शादी करने के मतलब वो के कुछ समय बाद ही इन्होंने मकान और चीज़ें मांगनी शुरू कर दी और हमें दबाव पैदा कर दिया तो मकान और चीज़ें हमें दो नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। किसने? बेटे ने बोला? हाँ। क्या नाम है बेटे का? बेटे नाम मेरा अंकित है और बार बार पैसा करता करता और बहुत कर्जा कर गया। वो कर्जा कर गया? कर्जे कर गया और कर्ज वाले भी आ रहे हैं। सर ये कहाँ जा, अब कहाँ है ये लड़का? ये कहाँ? अब ये लड़का लापता है। कितने समय से? हम तो यहाँ बीच में कहीं सुर वाले कह रहे हैं किराए पर रहेंगे। मोहल्ले में पता लगा है कि किराए के लिए कमरा तलाश कर रहा है। ये सामान लेके घर से गए? क्या सामान ले गए? सामान में ये अपने कपड़े, अपनी वाइफ की साड़ी और जो हमने ज्वेलरी चढ़ाई थी वो सब ले गए। जो भी सामान सब ले गए? पैसे ले गए? पैसे तो एक अंगूठी और कुछ पैसे 2-10 हज़ार रुपये होंगे वो ले गए। पता चला कहाँ रह रहे हैं अभी? अभी पता नहीं कहाँ रह रहे हैं। थाना आपने शिकायत कहाँ करी थी? थाना मझोला में की थी और पेपर में भी मझोला में निकलवाया बेदखल के लिए। भीतर रखा हमने? हमने बेदखल के लिए कर रखा हो, पेपर निकलवा रखा बेदखल हमने। अच्छा, अब क्या चाहते? क्या चाहते हो आप? अभी चाहते हैं कि भैया हम इस बच्चों को, क्योंकि जब हम जब इसने अपनी इसकी वाइफ मोनी ने मेरी पत्नी को धक्का देकर निकाला तो हम इसे रखना नहीं चाहते। बीबी के कहने पर चुपते? हाँ, इन्हें बीबी कहने पर मुझे एडमिट नहीं कराया, मुझे अटैक पड़ गया। क्या आप बेटे और बहू से डर है? क्या बहू बेटे डर है भैया? ये जब हमारे साथ अभी बीमारी में नहीं रह गया। अच्छा, कोई शिकायत विकायत करी? क्या चाहते चाह रहे हैं आपके, मतलब सब क्या करा बीवी ने? बीवी अपनी ज्वेलरी ले गई। अच्छा, आपके खिलाफ क्या आरोप लगाना है बीवी? हमारे खिलाफ ये दहेज प्रथा का और दहेज मांगने का, नगद मांगने का मुकदमा। क्या आपने कभी दहेज मांगा था कभी? हमने कभी नहीं मांगा। मेरी वीडियो में बात का गवाह है कि मैंने मोहल्ले कुछ पेपर में मोहल्ले वाले के गवाही में मोहल्ले में कोई नहीं, मेरी वीडियो गवाह है। कौन? वीडियो शादी का? वीडियो शादी गवाह है, मुझे चांदी अंगूठी बनाई गई, मेरे चेहरे पर कोई उदासी नहीं है, मेरी वीडियो इस बात की गवाह है। शादी कितने समय हुआ है? शादी 6 जून 2021 में हुई। आप क्या करते हैं? क्या काम करते हैं? मैं आयकर विभाग में ऑफिस मैनेजमेंट के पद पर हूँ। कितने बेटे हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं, मुझे गरीब लग रहे, 70,000 सैलरी मिल रही है। मैं तो दहेज मांग के क्या करूँगा? ये शादी भी मेरा कोई बिचौलिया नहीं है, क्योंकि ये हमारे घर के पीछे। ये बड़े बेटे छोटे बेटा है? ये मेरा बड़ा बेटा है। दो ही बेटे हैं और ये हमारे घर के पीछे और छोटे भर में बच्ची को देखा मैंने। तो कुल मिला के माना रहे ये मकान को लेकर ये विवाद चल रहा है? ये मकान चक्कर में इन्होंने शादी करी है, ये मकान चक्कर में ड्रामा कर रहे हैं मकान को लेकर। क्या आप क्या जीते जी अपने मकान देना चाहते हैं उनको? नहीं नहीं, मैं जीते जी अपने मकान ही देना चाहते। मेरे पास यही जिंदगी पूरी पूंजी है, इसलिए मैंने कुछ नहीं देना चाहती। रिटायरमेंट के बारे में कुछ दूंगा तो मेरे सुख दुख में काम नहीं आएगा। मेरा बच्चा तो मैं किसके किसके लिए जाऊँगा? खतरा भी है आपको? जो खतरा भी है, मैं रिटायरमेंट पे भी अपने बच्चों को दे दूँगा। अपने जो मेरी सेवा करेंगे मैं उसे दूंगा। क्या नाम है आपका? राम किशोरी। कितने बेटे हैं आपके? 2 बेटे। 2 बेटे हैं, कौन से बेटे थे, क्या क्या हुआ है? बड़ा बेटा तो बहुत नालायक निकला हमारा,
बड़े बेटे ने ना तो बड़े बेटे ने सुख दिया ना बहू ने सुख दिया, हमें दुख के अलावा कुछ नहीं दिया। और मान में चढ़ गई हमें बड़ी बहू बहू भी कह रही तुम मुझे हाथ लगा के देख मैं तुझे लिटा लिटा कर मारूंगी। तो मतलब क्या मतलब क्या क्या चाह रहे थे आपसे? गाली गुप्ता खूब दी मेरे को। क्या चाह रहे हैं आपसे वो? मतलब यही यही चाह रही कि मतलब अकेली रूम में राज करूँ इस मकान में। कितने बेटे हैं आपके? दो हैं। दो बेटे हैं। तो घर से कितने टाइम पहले यहाँ से घर चले गए थे? ये 2 महीने पहले गए। चले गए घर से अपनी मर्जी से? गए अपनी मर्जी से गए। क्या नाम है इनका? हमने नहीं भेजा इन्हें, अपने कोई निकला खुद निकल गए घर से अपनी मर्जी से निकले। हमने नहीं कहा कुछ भी कि घर से निकल जाओ तुम। तो बेटा भी मतलब बच्चे आपके बेटे का कोई कोई बच्चा अच्छा कुछ है? ना कोई नहीं है बच्चा। नहीं। अच्छा आपने शिकायत कर दी इसकी? शिकायत कर दी हमने। क्या चाहते हो आप लोग? हम यही चाहे बस हमें बहू बेटा को इंसाफ इंसाफ मिले हमें बस।